सपनों के शहर मुंबई में मनराज ग्रुप पेश करता है मनराज व्यू, जो शहर के बीचों बीच एक घर खरीदने का मौका दे रहा है। आपके बजट के अनुकूल शानदार 1 BHK और 10 मंजिला टॉवर और कीमत सिर्फ 75 लाख रुपए, और यह सब उपलब्ध है कुर्ला अंधेरी रोड, साकिनाका मेट्रो स्टेशन और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के नजदीक। मनराज व्यू में घर होना यानी आराम और सुविधा का पूरा आनंद। जल्दी करें, अनुकूल बजट में ऑफर केवल सीमित अवधि के लिए। पीएम आवास योजना और लोन सुविधा भी उपलब्ध, शर्तें लागू। डीआरवी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और आज हम बात करेंगे कोरोना वैक्सीन की, वैक्सीनेशन सेंटर्स पर चल रहे टीकाकरण अभियान की। पिछले दिनों जब 100 करोड़ टीकाकरण का मामला आया था तो केंद्र सरकार काफ़ी चर्चा में रही और उसको एक जश्न के रूप में पूरे देश में मनाया गया। महाराष्ट्र और अन्य राज्यों के साथ साथ मुंबई की क्या स्थिति है, जिस पर बारीकी से नज़र रखे हुए हैं हमारे अपने साथी आरटीआई एक्टिविस्ट और वरिष्ठ पत्रकार अनिल गलेली जी इस वक्त हमारे साथ हैं। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार अनिल जी। जब 100 करोड़ टीकाकरण का एक टीके लगे थे लोगों को, बड़ी उसमें राजनीति भी हुई थी कि भाई 100 करोड़, 135 करोड़ की आबादी और 100 करोड़ लोगों को टीका लग गया, हालांकि उसके परसेंटेज वाइज दोनों डोज को मिलाकर 100 करोड़ टीके तो कम से कम लगे। अब महाराष्ट्र की क्या स्थिति है और टीकाकरण के लाभ क्या हो रहे हैं महाराष्ट्र और विशेषकर मुंबई में, क्योंकि काफ़ी धीरे 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 सब कुछ एक तरह से सामान्य हो गया है। देखिए कि जैसे कि 100 करोड़ का जो आंकड़ा था वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पार किया, उसमें सेकेंड डोज और फर्स्ट डोज उसकी संख्या भी समाहित थी, और अभी आज ही महाराष्ट्र ने भी एक 10 करोड़ का अपना आंकड़ा पार किया है। जिस तरह से महाराष्ट्र में कोरोना की मरीज़ ज़्यादा पाए गए, खासकर मुंबई में कोरोना से होने वाली मौत भी अधिक थी, इसके बावजूद भी जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट और खासकर मुंबई महानगर पालिका की तरह ठाणे महानगर पालिका, कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका, पुणे महानगर पालिका, नागपुर महापालिका, सभीों ने मिलकर जो एक संकल्प किया था, तो आज हम उस 10 करोड़ के टारगेट को पूरा कर पाए हैं। इसमें दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि कोरोना होने के बाद जिस तरह से एक तरह की अफरा तफरी मची थी, लोगों में एक संभ्रम था, लेकिन जैसे जैसे हम कोरोना का जो टीकाकरण करते गए वैसे वैसे डर खत्म होता गया जी। और लॉकडाउन भी खुल गया, यानी पहले जो लोग विरोध कर रहे थे कि कोरोना की टीका मत लीजिए, वैक्सीन को लेकर अलग अलग प्रचार और प्रसार हो रहा था, उसमें कई सारे धार्मिक लोगों ने भी हिस्सा लिया कि मत लीजिए, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों में उत्साह दिखाई दिया और उसके कई सारे फायदे लोगों को पता चल पाए। इस तरह से लॉकडाउन बड़ी तेज़ी से खुला, अब हम जब मुंबई के बाहर यात्रा करते हैं, खासकर हम लोग पूरे देश में जब यात्रा पर चलते हैं, तो जिसे 2 डोज लगाए गए हैं, चाहे सर्टिफिकेट हो या उसका कार्ड हो, उससे उसे कहीं पर भी रोक टोक नहीं लगती। तो कहीं ना कहीं तो ये जो सकारात्मक जो पहलू है उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। आज जिस तरह से महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उसके अलावा जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री है राजेश टोपे, दूसरे जो वैद्यकीय स्वास्थ्य मंत्री है अमित देशमुख, इन्होंने काफ़ी जद्दोजहद कर, क्योंकि इसे पॉलिटिकल तो हम नहीं मनाएंगे, लेकिन सरकार का जो एक दायित्व था उसे निभाने में सरकार कहीं ना कहीं तो सफल होती दिख रही है। कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में वाद विवाद हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी जिस तरह से 10 करोड़ का हमने आंकड़ा पार किया है वो काबिले तारीफ है। लेकिन मेरी सरकार से ये भी गुजारिश है, क्योंकि इसमें जो डबल डोज लेने वालों की संख्या और सिंगल डोज लेने वालों की संख्या, उसमें काफ़ी अंतर है। सरकार को और तेज़ी से इसका जो अभियान को तेज़ करते हुए, अभी कई जगह पर जहाँ पर जो वयोवृद्ध नागरिक हैं, जो लोग घर से बाहर निकल नहीं पा रहे, उनके लिए भी सरकार ने जो विशेष सेवा की है वो काबिले तारीफ है। इसके अलावा जो मुंबई के पार्किंग जो अलग अलग जो स्पॉट थे, वहाँ पर भी आप गाड़ी से जाइए और टीकाकरण कराइए, कहीं ना कहीं तो मुंबई महानगर पालिका ने एक तरह से लोगों को सुविधा देने का काम किया है, उसके वजह से आज हम लोग इस तरह का आंकड़ा पार कर पाए। सरकार का ये भी मंशा थी कि 30 नवंबर तक अधिकांश लोगों को, सबको कम से कम एक डोज तो पूरा हो जाए, और अधिकतर अगर अधिकतम दोनों डोज भी हो जाते हैं तो और भी बेहतर होगा। तो क्या लगता है कि 30 नवंबर तक जिस तेज़ी से, जिस रफ्तार से, जिस तरह से टीकाकरण केंद्रों पर लोग आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि 30 तारीख तक उस पर सरकार सफल हो पाएगी अपने अभियान में? देखिए कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में
एक बीच में एक सेमिनार भी हुआ था, उसमें अलग अलग कलेक्टर कमिश्नर लोगों ने हिस्सा लिया था। 30 नवंबर की तो मियाद इसलिए रखी गई है ताकि लोग जल्द से जल्द काम करें, मगर आज भी हमारे महाराष्ट्र में जो 36 जो डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स को उपलब्ध कराने में कहीं ना कहीं तो हम लोग असफल साबित होने के बावजूद भी सभी तरह के कलेक्टर, जैसे मैंने बीच में ठाणे कलेक्टर से बात की थी, काफ़ी उन्होंने बढ़िया तरीके से, जहाँ पर ग्रामीण हिस्सा है, मतलब आपको बता रहा हूँ कि महाराष्ट्र में ठाणे ग्रामीण में सिंगापुर नाम का गांव भी है, वहाँ पर भी लोगों ने किस तेज़ी से काम किया है। यानी ग्रामीण इलाकों में अधिक लोगों का प्रतिसाद मिल रहा है। कई जगह पर लोगों में जो अलग अलग जो अफवाह थी उसे भी दूर करने में सरकारी मशीनरी कलेक्टर वो लोग ने कहीं ना कहीं तो सफलता पाई है। मेरा मानना है कि भले ही 30 नवंबर तक हम लोग उस टारगेट को पूरा नहीं कर पाएंगे, पर जिस तरह से काम हो रहा है आने वाले मार्च 2022 तक महाराष्ट्र में हर एक व्यक्ति 100% टीकाकरण दोनों डोज लेने में सफल हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। अभी एक आध पिछले दिनों कई मीटिंग और सभाओं में जाना हुआ, कई शिक्षित लोगों को भी पाया गया, खासकर महिलाएं इसमें पाई गई हैं कि अभी तक उन्होंने शिक्षित होने के बावजूद डर के कारण अभी तक टीका नहीं लिया, तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए कि डर के आगे मौत है। अगर आप थोड़े के काम के लिए अगर डरेंगे तो निश्चित तौर पर कोरोना किसी को भी चपेट में ले सकता है, कोरोना से कोई बच नहीं पाया है। लेकिन जिस तरह से टीकाकरण होने के बाद से भारत ही नहीं, अमेरिका हो, लंदन हो, बाहर के देशों में भी पाया गया है कि जहाँ जहाँ पर कोरोना का टीकाकरण बड़े तेज़ी से हुआ है वहाँ पर कोरोना का ग्राफ नीचे उतरने में सफलता पाई है। कुछ एकाध हम उदाहरण छोड़ेंगे तो कई लोगों ने जो डबल डोज लेने के बाद भी उन्हें कोरोना हुआ है वो एग्जाम्पल हो सकता है, मगर 99% इसमें हम लोग सफल हो पाए हैं। मेरा मानना है कि लोगों को इस तरह से गलत अफवाहें, गलत प्रचार प्रसार के चक्कर में न पड़ते हुए अपने खुद की रक्षा करनी चाहिए, अपने परिवार की रक्षा करनी चाहिए। अगर हमने अपनी खुद की रक्षा की तो निश्चित तौर पर आपका परिवार भी बचेगा, समाज भी बचेगा। जो जिन लोगों को भी इस तरह की गलत चीज़ों से वो भ्रमित है उन्हें अपने भ्रम को निकालना चाहिए, क्योंकि आज बड़े तेज़ी से, मतलब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को भी बीच में कई लोगों ने अपील की थी कि आप पहले टीका लीजिए, प्रधानमंत्री जी को लोगों ने अपील की थी आप टीका लीजिए, पहला मुख्यमंत्री ने भी टीका लिया है, प्रधानमंत्री ने भी लिया है, सभी मंत्रियों ने लिया है। तो ये कोई पहले आपकी बारी नहीं है, जहाँ आपको मौका मिले, जहाँ पर भी ये व्यवस्था सरकार ने उपलब्ध कराई है उसका लाभ लीजिए, स्वयं का टीका करके खुद को सुरक्षित करने का काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी, बहुत ही खूबसूरती से और बड़े ही तरीके से अनिल जी ने दोनों बातें बताई हैं। एक तरफ सरकार की पहल का भी स्वागत किया है, दूसरी तरफ अगर आम जनता इस पूरे अभियान से कटती है तो उसकी जो भी गलत प्रमाण आएंगे उसकी तरफ भी इशारा किया है कि लोगों को आगे आना चाहिए और टीकाकरण मुहिम का हिस्सा बनना चाहिए। ये आपके अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने परिजनों के स्वास्थ्य के लिए, अपने समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। अनिल जी और हम यही चाहते हैं कि आप जो भी टीकाकरण मुहिम चल रही है इसमें प्रत्येक व्यक्ति दोनों टीका लगा ले और अपना भी, अपने परिवार का भी और समाज का भी कल्याण करने में सरकार की कोई मदद की ज़रूरत नहीं है कि सरकार की आप मदद करेंगे, आप अपनी मदद करेंगे, समाज की मदद करेंगे, ये भी आपका समाज पर बहुत बड़ा एहसान होगा। ये हमारा, अनिल जी का और हमारे चैनल DRV न्यूज़ का यही मानना है। इस विषय पर आपके पास कोई बात रखनी हो, आपको कुछ कहना हो, कोई सुझाव देना हो, कोई शंका आपके मन में हो तो हमसे, अनिल जी से या फिर DRV न्यूज़ के माध्यम से सरकारी अधिकारियों तक आप पहुँचाना चाहें, मंत्रियों तक पहुँचाना चाहें तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी बात रख दें। फिलहाल के लिए इतना ही। सैयद सलमान को, अनिल गंगली जी को और DRV न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। इसके बाद भी खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए DRV न्यूज़। जय हिंद।